आज से कुछ ही दिनों के बाद अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ऐसे में धार्मिक स्थलों में नवरात्र की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वहीं विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी में मंदिर प्रशासन द्वारा सभी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना होगा। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 7 अक्टूबर से शारदीय अश्विन नवरात्र शुरू होने वाले हैं, जिसके चलते मंदिर प्रशासन द्वारा सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। हर तरफ व्यवस्था चाक चौबंद होगी और बिना मास्क मंदिर में प्रवेश नहीं हो पाएगा। कोरोना के चलते लंगरों पर प्रतिबंध पहले की तरह रहेगा। कोई भी लंगर व्यवस्था ज्वालामुखी में देखने को नहीं मिलेगी और बिना पर्ची भी मंदिर में दर्शनों की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी SOP के माध्यम से ही श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जाएंगे। सिटीजल से बात करते हुए SDN ज्वालामुखी धनवीर ठाकुर ने बताया कि 7 अक्टूबर से लगने वाले अश्विन शारदीय नवरात्र ज्वालामुखी में बड़ी धूमधाम और SOP का पालन करते हुए विधिवत रूप से मनाए जाएंगे और बिना पर्ची मास्क मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसकी भांति इस बार भी माता के दरबार में अश्विनी के नवरात्र जो है वो 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं और उन्हें पूरी धूमधाम से एज पर SOP मनाया जाएगा। सिस्टम रहेगा कि पर्ची से शिष्ट दर्शन होंगे, जो दोनों अपने जिनको मैंने वैक्सीन के इंजेक्शन लगे हैं वो अलाउ होंगे मंदिर में, और मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि वो मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। मंदिर प्रशासन जो है वो लोगों की हर सुविधा के लिए यहाँ तैयार बैठा है और माँ से हमारी प्रार्थना है कि इस बार भी हमारे नवरात्रे जो हैं बड़ी अच्छे हर्षोल्लास से मनाए जाएंगे। नवरात्रों में जो है वो लंगरों पर पूरा प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि कोरोना महामारी का दौर अभी भी यहाँ से गया नहीं है, इसलिए जो है वो हमारा जो है वो नहीं, वो लंगर नहीं। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।